नमस्कार साथियों, हमने कंपनी की एसओपी के बारे में बताया और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो जो एसओपीस होती है उसके बारे में अपनी बैक वीडियो में बताया है आपको। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि क्वालिटी कंट्रोल एसओपी क्या होती है, वनली क्वालिटी कंट्रोल एसओपी कैसे काम करती है और वो कितने डिपार्टमेंट में क्या क्या करती है। थोड़ा आप इसकी नॉलेज लें और जो आपको काफ़ी काम आएगा। तो जो क्वालिटी कंट्रोल होता है साथियों, क्वालिटी कंट्रोल के बगैर तो गारमेंट इंडस्ट्री एकदम बेकार है मेरे हिसाब से। बेकार का मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हो सकती गारमेंट इंडस्ट्री की। तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का होना बेहद ज़रूरी है और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ही एक ऐसा होता है जो कस्टमर के पक्ष में काम करता है, यानी कस्टमर को क्या रिक्वायर्ड है, उसका क्या स्टैंडर्ड है, वो सारी बातों का केयर करता है। तो उसके कुछ दिशा निर्देश है साथियों कि किस किस डिपार्टमेंट में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अपनी एसओपी के अकॉर्डिंग जो है काम करता है। तो पहला जो है फैब्रिक इंस्पेक्शन एसओपी, पहला काम जो है क्वालिटी डिपार्टमेंट का उसके लिए बनाया गया है फैब्रिक इंस्पेक्शन एसओपी। सेकंड जो है सेट बैंड सबमिशन एंड अप्रूवल प्रोसीजर, यानी फैब्रिक चेक हो गया तो सेट लॉट सेट बैंड का अप्रूवल होना बेहद जरूरी, क्योंकि साथियों कई बार बल्क डाइंग प्रिंटिंग में कई तरह के जो है दो से तीन टाइप के सेट एक ही कलर में आ जाते हैं, तो उसका अप्रूवल मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट से या सीनियर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी से लेना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ट्रिम्स एंड एसेसरीज इंस्पेक्शन एसओपी, यानी आपको बताया मैंने था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रिम्स एंड एसेसरीज, यानी ट्रिम्स में एसेसरीज में फर्क होता है, आप वीडियो देख लेना मेरी। तो ट्रिम्स और एसेसरीज का इंस्पेक्शन का भी एसओपी होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, कैड रूम पैटर्न मेकिंग एसओपी इन गारमेंट इंडस्ट्री, यानी कैड रूम आपने जानते हैं आप कि आसानी से उसमें पैटर्न मेकिंग किया जाता है और एक एक एमएम का मेजरमेंट तय किया जाता है। तो कैड रूम यानी पैटर्न मेकिंग की भी एसओपी चेक करना क्वालिटी कंट्रोल के पास है। आगे बढ़ते हैं साथियों, गारमेंट पैटर्न मेकिंग एंड कंट्रोल एसओपी, गारमेंट का जो पैटर्न बनाया जाए वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बनाया जाए, यानी फैब्रिक की श्रिंकेज क्या है उसको ध्यान में रखते हुए, वायर का स्टैंडर्ड क्या है उसको ध्यान में रखते हुए अप्रूव पीपी के अकॉर्डिंग बनाया जाए, तो उसमें भी एसओपी काम करती है साथियों। आगे बढ़ते हैं, प्री प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल एसओपी, जैसा मैंने प्री प्रोडक्शन मीटिंग के बारे में आपको बताया हुआ है, पीपी मीटिंग यानी कि प्री प्रोडक्शन मीटिंग की भी एसओपी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं साथियों, फैब्रिक रिलैक्सेशन एसओपी, यानी कटिंग से पहले कोशिश करें कि फैब्रिक का रिलैक्सेशन होना बहुत जरूरी, क्योंकि एक बार आपने थान से या रोल से निकाला और लेयर लगा दी काट दिया तो बाद में वो छोटा हो जाता है, क्योंकि उसमें श्रिंकेज जो होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है, तो इसलिए फैब्रिक रिलैक्सेशन का होना बेहद जरूरी है। उसकी भी एसओपी हम फॉलो करते हैं, यानी क्वालिटी डिपार्टमेंट फॉलो करता है। फैब्रिक स्प्रेडिंग एंड कटिंग एसओपी, यानी फैब्रिक की लेयरिंग यानी कटिंग की एसओपी भी हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट को संभालनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। एम्ब्रॉयडरी प्रोसेस एसओपी एंड बीडिंग प्रोसेस एसओपी, यानी इसके बाद अगर कोई पैनल है जिसमें बीडिंग या एम्ब्रॉयडरी करानी है तो वो कटिंग करके सीधा वो बीडिंग और एम्ब्रॉयडरी में जाएगा, उसकी प्रॉपर एसओपी बनी हुई है कि कैसे बीडिंग में ध्यान देना है, कैसे चेक करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है। ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताई हुई है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, इन प्रोसेस क्वालिटी ऑपरेटिंग एसओपी, यानी इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर क्या है। इन प्रोसेस माने हर तरह के प्रोसेस पे
क्वालिटी डिपार्टमेंट की एक एसओपी बनाई गई है कि कैसे चेक करना है, कैसे रिपोर्ट बनाना है और क्या क्या तरीके हैं, उसकी प्रॉपर एक एसओपी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, स्विमिंग मशीन ऑपरेटिंग एसओपी, यानी कि जरूरी नहीं है साथियों कि कपड़ा अच्छा है, कटिंग अच्छी है तो आपका गारमेंट बढ़िया बन जाएगा। नहीं, हो सकता है कि मशीन की स्थिति सही ना हो, ऑपरेटर की स्थिति सही नहीं हो, तो वो भी आपके क्वालिटी पे असर डालता है। इसलिए स्टिचिंग क्वालिटी कंट्रोल की भी एसओपी बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, मेजरमेंट कंट्रोल एसओपी इन गारमेंट इंडस्ट्री। मेजरमेंट यानी स्पेक्स, जो की पॉइंट स्पेक्स होता है साथियों, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होना चाहिए। इसकी एक एसओपी है, उसको हम फॉलो करते हुए आगे बढ़े। तो ब्रोकन नीडल कंट्रोल एसओपी प्रोसीजर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि हमारे कस्टमर को जो चलते चलते मान लीजिए निडल का पॉइंट टूट गया और वो गार्मेंट में रह गया साथियों, तो ये गलत है। यानी निडल कंट्रोल होना चाहिए, जब वो टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, उसको ढूंढना जरूरी है और वो मिलने के बाद ब्रोकन टुई और सुई और वो टुकड़े को प्रॉपर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को जमा कराना चाहिए, फिर नई सुई का इस्तेमाल होना चाहिए। यानी इसकी भी एक प्रॉपर एसओपी है। गारमेंट वॉशिंग एंड सेट ग्रुपिंग प्रोसीजर, यानी कि अगर गारमेंट हमारा तैयार हो गया, बैलेंसिंग हो गई, मेजरमेंट हो गया और सारी चेकिंग हो गई, तो उसके बाद हमें जो है वॉशिंग में भी ध्यान देना चाहिए कि किस रेसिपी पे हमें वॉश करना है, क्या कलर हमारा ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। इसलिए एक प्रॉपर एसओपी होना जरूरी है। बटन पुल टेस्ट प्रोसीजर एसओपी, यानी बहुत जरूरी है साथियों, अगर आप किड्स वेयर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिशा निर्देश किड्स वेयर का दिशा निर्देश इस्तेमाल करें। अगर आप मेंस वोमेंस का कर रहे हैं तो 90 न्यूटन कम से कम, यानी कि 9.17 kg बराबर होता है 90 न्यूटन, उतने तक का आपका बटन जो है भार सह ले, उसकी भी एक प्रॉपर एसओपी बनी हुई है साथियों। फिनिशिंग क्वालिटी कंट्रोल एसओपी, जब गारमेंट हमारा वॉश हो जाता है, काज बटन हो जाता है, तो वो प्रॉपर फिनिशिंग में क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। जैसे आपका जनरल चेकिंग हो गया साथियों, प्रेसिंग हो गई, वॉशिंग प्रेसिंग हो गई, मेजरमेंट चेकिंग हो गई, फाइनल चेकिंग हो गई, री फाइनल चेकिंग हो गई, इसका मतलब हमें फिनिशिंग में भी गारमेंट को बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है, यानी वहाँ पे भी एक प्रॉपर एसओपी है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मेटल डिटेक्शन प्रोसीजर, यानी हमारा जो गारमेंट है साथियों, आप चलो भूल चूक से अगर कोई सुई का टुकड़ा गारमेंट के अंदर रह गया, तो हमें निडल डिटेक्टर मशीन से हर गारमेंट को फिनिशिंग के बाद पैकिंग एरिया में डालने से पहले निडल डिटेक्शन कराना बेहद जरूरी है साथियों, यानी कि निडल डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनिश गारमेंट वेयर हाउस कैपेसिटी प्रोसीजर, जो हमारा गारमेंट फिनिश हो गया है, डब्बे में डल गया है, उसको हमें वेयर हाउस में कैसे रखवाना है, क्या तरीका है, इसकी भी प्रॉपर एसओपी होती है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आपका इंटरनल इंस्पेक्शन फाइनल डन होने के बाद, हम फाइनल इंस्पेक्शन विद बाइंग ऑफिस और लाइजन ऑफिस और थर्ड पार्टी, उसकी भी एक एसओपी होनी चाहिए साथियों, और है जिसका हमें अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। तो मैंने जो बातें बताई हैं साथियों, 23 23 बातें बताई हैं, 23 हमने एसओपी के बारे में डिस्कस किया है। आप इसे एक बार, दो बार, 10 बार देखें और अच्छी नॉलेज प्राप्त करें, ताकि आपको क्वालिटी कंट्रोल की एसओपी का अच्छी तरह से पता लग जाए। थैंक यू, बाय बाय।